Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Todi and we are doing Mathematics Seated Paper 1. Okay, so आज हमारा टॉपिक होगा HCF and LCM. तो लोग जानेंगे कि HCF का मतलब क्या है, HCF के अंदर क्या कैसे HCF करना है हमें, और LCM का मतलब क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCM एंड HCF, एंड उसके अंदर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. बट बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Dive to Learn. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग अबाउट HCF, राइट. HCF के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले. सो वॉट इज HCF? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट HCF. ओके, सो HCF का मतलब है, यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में जो मैंने रखा है, इन मैथमेटिक्स द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज द इज नोन एज HCF. ओके, HCF मतलब HCF का फुल फॉर्म है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर. कोई भी दो नंबर का कॉमन जो फैक्टर निकलेगा ना, आप जब उसको डिवाइड करोगे या उसको कितने डिविजिबल कितने नंबर से होंगे उसको देखेंगे, तो जो कॉमन दो नंबर का कॉमन फ्रैक्शन जो इंटीजर निकलेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर्स. अच्छा, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो कैसे करते हैं. व्हाइल वी ऑल नो व्हाट मल्टीप्लीकेशन इज लाइक, सबको पता है ना हमें मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई हमें कैसे करना होता है, 2 × 3 = 6, ये तो हम लोग सब जानते हैं ना. लाइक हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग से 4 से, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, इज 8 × 2 = 8, राइट. तो ये हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ. ये हमें पता है सबको मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, राइट. सो HCF इज जस्ट द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन विच इज नोन एज फैक्टराइजेशन. ठीक है, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालते हैं ये हो गया मल्टीप्लीकेशन. ऐसे करने में इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, हम लोग उसका मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं उसमें आंसर जो आएगा उसका हम लोग, ये क्या हो गया, ये तरीका हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन का. लेकिन जो HCF है ये मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है. ठीक है, इट इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन, डिविजन करके ले जाना है हमें, छोटा नंबर निकाल के लाना है. ठीक है, तो कोई भी नंबर का सबसे छोटा इंटीजर हमें निकाल के लाना है. सो नाउ फैक्टराइजेशन इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स इंटू इट्स प्राइम फैक्टर्स. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर, जो भी नंबर हमें दिया गया हो उसका फैक्टराइजेशन करना है. मतलब एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो कोई भी एक कंपोजिट नंबर, से 20, ठीक है, हमारे पास 20 एक नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कंपोजिट नंबर मतलब आपका कोई भी नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई होता है या खुद ब खुद अपने आप से मल्टीप्लाई होता है और किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, दोज टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जो खुद से तो होता ही है, 1 से तो होता है डिविजिबल, एज वेल एज किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, उस नंबर को, उस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे. ठीक है, सो 20 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 20 ones are 20 कर सकते हैं, या 120 times 20 आ जाता है, या 10 2s are 20, या 2 10s are 20, या 5 4s are 20, राइट, कितने सारे डिविजिबल हो रहे हैं 20 को, राइट. सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. अब हम लोग एक कंपोजिट नंबर को जब एक प्राइम फैक्टर में लाके रख देते हैं, द लास्ट प्राइम फैक्टर तक लाके उसको डिवाइड करके रखते हैं, तब उस नंबर का क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है, तब उसका HCF निकल के आता है. फॉर एग्जांपल 20 है हमारे पास, इसको हम लोग से 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 4 times 20, है ना, दिस इज 5 4s are 20, यहाँ पे क्रॉस हो गया है ना, 0 आ गया. नाउ ये 5 जो है, इस 5 को अगर हम लोग वापस डिवाइड करते हैं तो 5 किस चीज़ से डिवाइड होगा, 5 5 1s are 5 होगा, या फिर 5 को हम लोग 5 से ही डिवाइड करेंगे, राइट, दूसरे कोई और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ नंबर जो किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1
एंड खुद ब खुद वही नंबर सेम अपने नंबर से ही सिर्फ डिविजिबल होते हैं, उन नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग, उन नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर कहेंगे, ठीक है। सो व्हेन अ नंबर इज ब्रेक, उसको हम लोग ब्रेक करके कंपोजिट नंबर से प्राइम फैक्टर में लेके आते हैं, तब क्या होता है उसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के लाएंगे हम लोग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ HCF। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, लाइक टू इज सिक्स, अगर एक नंबर है हमारे पास, सिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री इज सिक्स, वेयर एज इट इज अ कंपोजिट नंबर वेयर टू एंड थ्री आर प्राइम नंबर्स, है ना। सिक्स अगर कंपोजिट नंबर कैसे हुआ, क्योंकि सिक्स को हम लोग वन से भी डिवाइड कर सकते हैं, सिक्स को सिक्स से खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, टू से भी डिवाइड कर सकते हैं और थ्री से भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट, दैट्स वाई इट्स इज अ कंपोजिट नंबर। बट टू एंड थ्री इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि टू इज डिविजिबल ओनली बाई वन और इट सेल्फ एंड थ्री इज ऑल्सो डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ ओनली, सो दीज आर प्राइम नंबर्स, समझ रहे हैं ना। सो इन मैथमेटिक्स द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एच सी एफ ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स द नंबर्स विदाउट अ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल द एच सी एफ ऑफ एट एंड ट्वेल्व इज फोर, तो हम लोग इनको क्या करेंगे, एच सी एफ ढूंढने के समय में हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है नंबर्स को, ठीक है। एट एंड फोर का यहाँ पे हम लोग अगर एच सी एफ ढूंढते हैं तो उसका एच सी एफ क्या आएगा, फोर आएगा। आगे एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कैसे हो रहा है ये, ठीक है। सो एच सी एफ मतलब क्या, कितने भी नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं, दो हो, चार हो, तीन हो, कितने भी हो, उनको आप ब्रेक डाउन करके एक कंपोजिट नंबर में या सबसे लोएस्ट इंटीजर में जब लेके आते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एच सी एफ। एच सी एफ दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन के तरीके से कर सकते हैं और एक डिविजन मेथड की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिविजन मेथड दो तरीके होते हैं एच सी एफ फाइंड आउट करने का, ये दोनों तरीके अब हम लोग करने वाले हैं आगे, ठीक है। सो नंबर वन इज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एच सी एफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। एंड हाउ इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डन, इज ये ऐसे किया जाता है, देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट डिटरमाइनिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स एंड देन कंपेयरिंग दोज फैक्टर्स टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी नंबर हमें दिया गया है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर मतलब उसको डिवाइड करते करते एक प्राइम फैक्टर के अंदर लेके आएंगे, लास्ट में जो जो उसको हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, या तो खुद वो खुद से होगा या फिर वन से होगा, राइट। तो उस प्राइम फैक्टर के अंदर लेके आएंगे इस नंबर को, फिर कॉमन निकालेंगे दोनों नंबर्स के अंदर जितने भी कॉमन नंबर्स है उसको निकालेंगे, एंड वो कॉमन नंबर आपका क्या होगा, आपका एच सी एफ बोला जाएगा, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अब एट एंड ट्वेल्व का एट एंड टू है फोर्टी टू, एटीन एंड फोर्टी टू है, एटीन एंड फोर्टी टू का हम लोग क्या करेंगे, आप अब फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ एट, एटीन एज टू इंटू थ्री इंटू थ्री, एंड फोर्टी टू एज सेवन इंटू टू इंटू थ्री, एंड नोटिस द कॉमन ऑफ द टू एक्सप्रेशन। एटीन वाले में क्या कॉमन, इसमें कौन से नंबर है, टू है, थ्री है, थ्री है, एंड फोर्टी टू में सेवन टू थ्री है, राइट। सो दोनों एक्सप्रेशन में, ये नंबर वन एक्सप्रेशन है एंड ये दूसरे नंबर एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर क्या कॉमन है, क्या कॉमन नंबर्स दिख रहे हैं हमें, एक तो ये टू यहाँ पे है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ एक थ्री है, राइट, ये थ्री है, एक इधर थ्री है, यहाँ पे सेवन है, इधर सेवन है हमारे पास, नहीं है ना, यहाँ पे एक थ्री है, इधर एक ही थ्री था जो हम लोगों ने इसके साथ कॉमन कर लिया, यहाँ एक ही टू है, यहाँ पे भी एक टू है, तो दीज टू आर कॉमन, ये थ्री इधर नहीं है एंड ये सेवन, सेवन भी इधर नहीं है, दैट मीन्स जो कॉमन, क्या कॉमन हुआ, टू थ्री टू थ्री, तो हम लोग ये टू एंड ये थ्री को हम लोग लेंगे एज एच सी एफ, तो टू एंड थ्री यहाँ पे आ गया, टू इंटू थ्री इज सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, सो सिक्स इज द एच सी एफ और द कॉमन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एटीन एंड फोर्टी टू, जो सेम नंबर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिविजन मेथड, दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविजन मेथड में, इसका तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, अभी डिविजन मेथड में करेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड, एक मिनट में आपको इसमें वापस एक समझा देती हूँ कि ये मैंने कैसे निकाला, लाइक यहाँ पे 18 है आपका, ठीक है, हुँ?
तो 18 को आप कैसे करोगे? टू हाउ मेनी टाइम्स? टू नाइन जा 18, राइट। अब यहाँ पे है आपका थ्री, थ्री 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 जा 9 हुआ, राइट। अगेन आप इसको करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लोग लेके आए हमें 1 चाहिए लास्ट में, तो 3 को किससे डिविजिबल होगा? 3 विल बी डिविजिबल बाय 3, 3 वन जा 3, राइट। सो हमारे पास क्या क्या नंबर आया 18 का? 2, 3 एंड 3, सी ए 2, 3 एंड 3। वैसे ही हमारा 42 है दूसरा नंबर, 42 का भी हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉरी मेरा ये है, आप इग्नोर करिएगा बिकॉज इसमें ये लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे, 42 है ये। सो हम एंड डेम 2 से ही करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग 2 से ही करते हैं। 2 टू ज़ा 4 एंड 2 वन ज़ा क्या हुआ, 2 वन ज़ा 2, राइट। 21 आया, सो 21 को हम लोग क्या करेंगे 3 से, थ्री सेवन टाइम्स, राइट। 3 7 ज़ा 21। अब 7 को हम लोग किससे करेंगे वापस? 7 से ही करेंगे, तो 7 ये एक प्राइम फैक्टर है, तो 7 1 ज़ा 7। सो हमारे पास क्या क्या है? 2 3 एंड 7, जस्ट ये 2 3 एंड 7, राइट। तो ऐसे हम आपको प्राइम फैक्टर ऐसे 2 अलग अलग नंबर्स के करने हैं, और इनका नंबर जो भी आपका यहाँ निकल के आता है उसको लिखना है, और इनमें से कॉमन जो नंबर्स होंगे वो आप लेंगे और उसका HCF, ये कॉमन जो भी नंबर्स आपके आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कॉमन HCF निकल जाएगा, ठीक है। वैसे डिविजन मेथड में क्या करना है? इन दिस मेथड फर्स्ट डिवाइड अ हायर नंबर बाय अ स्मॉलर नंबर, put the higher number in place of dividends and a smaller number in place of divisor, right? Divide and get the remainder, then use this remainder as divisor and earlier divisor as divisor. तो इसमें क्या बोला, एक example मैं करके आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे पास हमारे पास number आप ले लीजिए 18, okay, again and 42 ही रख लेते हैं, ठीक है, इट्स ईजी। सो हम लोग इसमें डिविजन मेथड में क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है इसको डिवाइडर रखेंगे, डिवाइजर रखेंगे, ठीक है, एंड जो बड़ा नंबर है हमारा 42 उसको हम लोग डिविडेंड, इसको हम लोग डिविडेंड बना के रखेंगे, ठीक है। डिवाइड किया हम लोगों ने, एंड आप डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे आएगा ये रिमाइंडर आपका डिवाइजर हो जाएगा, और 18 को वापस उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर जो भी रिमाइंडर आपका आएगा उसको फिर 18 को हम लोग डिविडेंड बना देंगे एंड विल डिवाइड, स्टार्ट डिवाइडिंग। ऐसे करते करते जब तक आपका लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता, जीरो आ जाता है रिमाइंडर लास्ट तक, तब तक हम लोगों को ऐसे करना, ठीक है। दिस इज डिविजन मेथड। सो डू दिस अंटिल यू गेट अ जीरो रिमाइंडर, द लास्ट डिवाइजर इज HCF। जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा, जो लास्ट वाला से आप डिवाइड करते करते जीरो लेके आओगे, तो लास्ट में जो डिवाइजर रहेगा वो आपका क्या होगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये डिविजन मेथड में आएगा। इफ देयर आर मोर देन 2 नंबर्स देन वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज वी डिवाइड द थर्ड लोवेस्ट नंबर बाय द लास्ट डिवाइजर ऑब्टेंड इन द अबव स्टेप। तो आपके 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, तो क्या होता है कि जो सबसे कम वाला नंबर, लोएस्ट नंबर होता है, थर्ड लोएस्ट नंबर, उसको फिर हम लोग डिवाइजर बनाते हैं, ठीक है, लास्ट स्टेप ऑब्टेन करने के लिए। सो जस्ट सी हियर, हमारे पास एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास है 72 एंड 126, दो नंबर्स है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो दो नंबर में सबसे छोटा है 72 उसको हम लोगों ने डिवाइजर रखा, राइट, एंड जो बड़ा है उसको डिविडेंड रखा है। तो 72 वन टाइम्स करेंगे 72, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 54 आता है, है ना। 126 माइनस 72 इज 54। सो ये 54 अब आपका जो रिमाइंडर आया है ये आपका डिवाइजर बन गया, और जो पहले आपका डिवाइजर था उसको आप यहाँ पे लाओगे और डिवाइड करोगे, एंड अगेन 54 54, एंड देन आपका डिवाइजर आ गया 18, रिमाइंडर सॉरी आ गया 18। नाउ 18 अगेन विल बी द डिवाइजर, एंड आप जो 54 यहाँ पे रिमाइंडर था, जो पहले आपका रिमाइंडर था, फिर आपने इसको डिवाइजर बनाया, उसको आप डिविडेंड लेके आओगे यहाँ पे, फिर 18 से डिवाइड करोगे, जब तब तक करोगे जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने 18 3 54 किया, रिमाइंडर जीरो आ गया, दैट मीन्स
द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर 72 एंड 126 इज 18। जो सबसे लास्ट में डिवाइजर आता है ना, वही आपका आंसर बन जाता है एचसीएफ इन डिविजन मेथड। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू द डिविजन मेथड। नाउ एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू और मोर इंटीजर्स, जो सबसे कॉमन जो मल्टीपल्स होते हैं ना, वो सारे इंटीजर्स को डिविजिबल होते हैं, ये कहा गया है लीस्ट कॉमन। इसीलिए हम लोग लीस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज 5 इंटू 4 इज 20। सो 20 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 2 बिकॉज 10 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 2। इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। एलसीएम कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड बाई दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 5 से आप डिवाइड किस किस को कर सकते हो, 10, 15, 20, ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी मल्टीपाइल बाई 5 आर ही रिटन हियर, राइट। एंड ऑल द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 6 से आप क्या क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36, राइट। तो 6 से मल्टीप्लीकेशन जितने भी हो गए डिविजिबल बाय मल्टीपल सॉरी डिविजिबल बाय 6 आर रिटन हियर। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। अब इस दोनों नंबर्स में आपको कॉमन कौन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, द नंबर्स विच आर मल्टीपल्ड बाई 5 एज वेल एज नंबर्स विच आर मल्टीप्लाई बाई 6। इन दोनों ही लाइन में आपको कॉमन कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 30 है ना, हियर वी हैव अ 30 एंड हियर टू वी हैव अ 30, राइट। यहाँ पे एक 60 है, यहाँ पे भी एक 60 है, तो वैसे ही 90, वैसे 120, इन दोनों में ही आएगा। तो दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। सो हैंस द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज सिंपली द फर्स्ट नंबर इन द कॉमन मल्टीपल लिस्ट दैट इज 30। जो सबसे छोटा होगा वही आपका क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों लिस्ट के अंदर, समझ गए। नाउ ये भी दो तरीके से होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जो पहले हमने किया था ना, उस तरीके से हमें इनको भी करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम सेज दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन इन ओनली वन वे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो 1 से ज़्यादा है वो हर कैसे लिखा जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर एक प्राइम नंबर एक प्रोडक्ट है, आंसर है प्राइम नंबर का, वैसे ही लिखा जाएगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम दैट इज 9, 48 एंड 21, फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर पावर्स। लाइक 9 इज 3 to the power 2, दैट इज 2/3, 3 into 3 इज 9, राइट। सो हियर 3 to the power 2 भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे 3 into 3 है ना, 2 times 3 into 3 दैट इज 9, राइट। 48 इज 2 into 2 into 2, 4 times 2 into 2 ही आएगा है ना, एंड देन into 3, दैट मीन्स इतना लंबा होगा इसका वैल्यू, ठीक है, जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। और 21 का 7 3s इतना ही आया, राइट, 7 3 times or 3 7 times is 21, राइट। देन राइट ऑल द फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर्स लाइक 3 2s, ये 3 2s है ना, देन 2 2 to the power 4 and 7 एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट देयर एलसीएम। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम निकालना है, ओके। सो 3 to the power 2 दैट इज 9 इंटू 2 to the power 4 into 7, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका एलसीएम ऑफ द नंबर्स 9, 48 एंड 21, ओके। सो डिविजन मेथड में कैसे करना है, डिविजन मेथड में ऑल द इंटीजर्स बाय द कॉमन नंबर अंटिल नो टू नंबर्स आर फर्दर डिविजिबल, मतलब सारे नंबर्स को साथ ही में लेना है, ठीक है। आगे वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन में एक एक को किया था हमने, एक को अलग अलग किया था, और इसमें क्या करना है, सबको साथ में ही लेना है और सबको साथ में ही एलसीएम करना है।
ठीक है, तो टू से करेंगे, फिर टू से, फिर थ्री से, फिर लास्ट में वो नंबर, लास्ट में ये ऐसा नंबर आता है जो मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर टू दो नंबर सिर्फ फोर है तब तक मल्टीप्लाई करना, बाकी का छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब लास्ट में हमारा क्या हुआ, नहीं हो रहा ना किसी भी एक, अब थ्री थ्री को अलग से एक बार करना पड़ेगा, टेन को अलग से करना पड़ेगा, 49 को अलग से करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए इसे इसे छोड़ दिया। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड द रिमेनिंग नंबर्स। मतलब एलसीएम में, डिविजन मेथड में एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, जो डिवाइजर्स है, जो डिवाइड किया हमने जो नंबर, इन सारे नंबर्स को एज वेल एज जो रिमाइंडर रह गया हमारे पास ये नंबर, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। सो व्हाट इज इट, टू 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 थ्री, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, राइट, इंटू थ्री दिस वन, इंटू टेन दिस, इंटू 49। तो ये सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आता है, 35,280 इज आवर एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम करने का समय में क्या है, बाय डिविजन मेथड आपको तीनों नंबर साथ में लेके ही एलसीएम करना है, एंड फैक्टराइजेशन करने के समय पे आपको अलग अलग नंबर्स को फैक्टराइज करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू द एलसीएम, और लास्ट में सब सारे कॉमन नंबर्स को लेके आपका जो भी डिविजन मेथड है उसमें सारे नंबर्स जो डिवाइजर है उनको और रिमाइंडर को लेके मल्टीप्लाई करना है, वेयर एज प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे जो बड़े बड़े नंबर्स है उनको लिया आपने, मल्टीप्लाई किया, एंड योर दिस इज योर एलसीएम इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन LCM and HCF of two natural numbers, दो natural numbers के relation क्या है LCM and HCF में, the product of LCM and HCF of two natural numbers equals the product of the numbers, जो आप product निकालेंगे ना LCM और HCF का, दो दो natural numbers का product निकालेंगे, वही वो क्या चीज़ में equal होगा, equal to the product of the numbers, जो number आपके पास है उनका production, that is multiply अब अगर करोगे वो दो numbers को जो answer आएगा वो, और जो LCM का आंसर और HCF का आंसर आपके पास है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा, दैट इज द रिलेशन। फॉर एग्जांपल 8 एंड 28 का LCM आपका क्या है 56, वेयर एज HCF ऑफ दिस नंबर 8 एंड 28 इज 4। ठीक है, तो आप 56 और 4 को मल्टीप्लाई करिए द आंसर्स जो भी आए हैं आपके पास, राइट, तो LCM इज 56 हमारे पास, एंड HCF हमारे इन नंबर्स के क्या है, हमारा 4 है HCF, राइट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर क्या आता है, योर आंसर विल बी 224। ओह माय गॉड, जस्ट सी हाउ आई एम राइटिंग, लिखा ही नहीं जा रहा मुझे इससे। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज 224, वेयर एज नाउ द नंबर्स, जो नंबर्स क्या है हमारे पास एलसीएम के लिए 8 एंड 28, वेयर एज एचसीएफ का भी यही नंबर है 8 एंड 28, सेम नंबर्स है, तो इन दोनों नंबर्स को भी आप मल्टीप्लाई करके देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 224। सो हमारा रिलेशन क्या हुआ, जो आपका एलसीएम का प्रोडक्ट है या आंसर है और जो एचसीएफ का प्रोडक्ट या आंसर है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे एज वेल एज जो नंबर सिमिलर नंबर जो आपके पास दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ के लिए उसको मल्टीप्लाई करोगे तो द आंसर द प्रोडक्ट विल बी सेम, राइट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी सेम। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ, नेचुरल नंबर्स इटसेल्फ। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ओके, नाउ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, हमने अभी नेचुरल नंबर्स का किया था, होल नंबर्स का किया था, अब फ्रैक्शंस का बात आ गया, तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर क्या है, फॉर्मूला एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, वेयर एज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। सपोज आपके पास है नंबर एक 2 बाय
3 and another number is 6/7. Okay, these are the numbers आपके पास. So अगर आपको HCF find out करना है इन numbers का, अगर आपको HCF find out करना है तो आप क्या करोगे? HCF of the numerator, जो ऊपर वाले number है उनका तो आप numerator find out करो, मतलब HCF करोगे. एंड LCM of the denominators, जो नीचे वाले numbers है इनको, ये नीचे वाले numbers को क्या बोला जाएगा, इनको क्या कहते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर्स बोलेंगे, राइट? दिस इज डिनोमिनेटर एंड जो ऊपर वाले नंबर्स है ये क्या हुआ आपका? न्यूमरेटर्स हुआ. ठीक है, सो आप न्यूमरेटर्स का क्या करोगे? HCF निकालोगे एंड डिनोमिनेटर्स का आप LCM निकालोगे. प्रोडक्ट आपका क्या होगा? HCF ऑफ द फ्रैक्शन, तब आपका HCF निकलेगा. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का HCF ऐसे निकाला जाएगा. एंड अगर यही फ्रैक्शन है और आपको क्वेश्चन में बोला गया है LCM फाइंड आउट करो, देन व्हाट विल यू डू? आप ये ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है उनका LCM करोगे एंड नीचे वाले नंबर्स का HCF करोगे एंड देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है, ठीक अपोजिट करना है. HCF फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन का HCF निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स है उनका आप HCF करोगे एंड नीचे वाले नंबर्स का LCM करोगे. वेयरएज अगर LCM निकालना है आपको ये फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन में से, देन व्हाट विल यू डू? आप LCM ऊपर वाले नंबर्स का करोगे एंड नीचे वाले नंबर्स का HCF निकालोगे. ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस मच फॉर टुडे. डू लाइक टाइप टू लर्न एंड do share and like, dive to learn, and don't forget to like my video. Thank you.